फर्स्ट स्लाइड आप देख ही रहोगे, इसमें लिखा हुआ है मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसे एमएमआर बोलते हैं। एक होती है डीएमआर, डीएमआर होती है डेली मेंटेनेंस रिपोर्ट, ये मंथली रिपोर्ट जाती है। और मंथली रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, पूरी प्रीमाइसेस के बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे, फैक्ट पर बढ़ते रहेंगे, आपको बताते चलेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम ये हमारी फर्स्ट स्लाइड मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। अब इसके अंदर क्या आता है, इसमें पूरी समरी है किसके हम इस एमएमआर के अंदर में किस कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। जैसे कॉन्टेक्स्ट में पहले दिया है साइट समरी, तो साइट समरी के अंदर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेंसी डिटेल, मेजर टास्क, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्मेंस, इसमें हमारी पावर कंजप्शन ट्रेंड है, डीजल जनरेटर है, सॉरी फॉर गलत क्या हो रहा है, डीजल इफिशियंसी, उसके बाद ट्रैकर्स है, ट्रैकर्स में एमसी ट्रैकर आपने सुना ही होगा, उसके बाद बिल्डिंग के कंप्लाइंस ट्रैकर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की कंप्लाइंस ट्रैकर। उसके बाद कंप्लाइंस ट्रैकिंग होती है, जो हम मंथली हमें कंप्लेंट रिसीव होती है उसका रिकॉर्ड हमें इसमें मेंशन करना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग्स होती है ईएनएम सॉफ्ट सर्विस सिक्योरिटी, जो भी आप मैनेज कर रहे हो, एंड देन अदर सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट। चलते हैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये हमारी साइट समरी, अभी मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है क्योंकि ये एमएमआर साइट का हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। साइट नेम आपको यहाँ मेंशन करना है, फर्स्ट चीज एरिया जो भी आपका है साइट का, ऑक्यूपेंसी मान लो 50% है, 80% है, 100% ऑक्यूपेंसी है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन कैंप पर स्क्वायर फुट आपका कैंप का क्या रेट है, कहीं 2.5 होता है, कहीं 3 होता है, कहीं 2.25 होता है विदाउट जीएसटी, वो डिपेंड करता है साइट वाइज। देन नेक्स्ट स्लाइड साइट सम, ये भी साइट समरी का सब पार्ट है, इसके अंदर आपको जो आपने पहली साइट में मेंशन किया था सेम यहाँ भी मेंशन करना है। और ये हमारी टोटल ऑक्यूपेंसी जो आपने अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपके यहाँ ग्रिड सप्लाई यूपीसीएल से आता है तो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी है कि आपने मंथ में कितना कंज्यूम किया, केडब्ल्यूएच कितने कंज्यूम हुए, आप एस्टिमेटर से उठाओगे चीज़ें, केवीएच उसी से आपको पावर फैक्टर निकालना है, अगर मल्टी पॉइंट है तो आपको कॉमन मीटर वहाँ लगा होगा तो कॉमन मीटर की सेम रीडिंग आपको करनी है। उसके बाद आपको डीजी का भी डाटा सेम फिल करना होगा, आपके पास 2 डीजी हैं 3 डीजी हैं उसी प्रकार आपको यहाँ पर केडब्ल्यूएच फिलअप करनी होगी, ऐसे जानते ही हो और इफिशियंट। ये थर्ड हमारी होगी स्लाइड, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो ग्राफ बने हुए हैं बार बने हुए हैं सब लोग नहीं जानते हैं, तो अपने कोर्स में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि नौकरी सबको मिल जाती है ठीक है, थोड़ा इंटरव्यू क्रॉस करके सब एंट्रेंस को पा जाते हैं, लेकिन स्टे करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए चीज़ें बहुत जरूरी है कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पीपीटी पे काम करना आना चाहिए, एक्सेल पे मेल भी आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप डीएमआर बना पाओगे। सारी रिपोर्ट्स जो क्लाइंट से रिक्वायर्ड होती है, क्लाइंट आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, वो आपको बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुपरवाइजर से ऊपर जाना चाहते हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा, तो हम आपको सिखाएंगे डिटेल में, अभी हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये ग्राफ कैसे बनते हैं, ये सब कैसे प्लॉट होता है, वो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा वन बाय वन। तो ये प्लॉटिंग है केडब्ल्यूएच के भी पावर फैक्टर में, इससे क्या होता है डायरेक्टली कोई भी मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो कि रेजिडेंट्स वाला इतना गया है, कॉमन वाला इतना गया है, ये केडब्ल्यूएच है, ये केवीएच है, केवीएच हमेशा ज़्यादा होता है आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, अभी मैंने हटा दिया है, आप बना सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, ये भी कई तरीके से बनता है अलग अलग, आप स्टेट वाइज बना सकते हो, और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं इसमें आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी मैनेजर को सबसे ऊपर डालना है, असिस्टेंट मैनेजर, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, अगर एफएसओ आपके पास है तो उसको एग्जीक्यूटिव से ऊपर रखना है, वो हम ब्रीफ में आपको बताएंगे बाद। नेक्स्ट स्लाइड, ऑक्यूपेंसी डिटेल, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो फ्लैट स्टेटमेंट्स में आपको देना है पोजीशन, मान लो आपके पास 1180 है उसमें से 1000 फ्लैट पोजीशन हो गए तो यहाँ पर मेंशन करना है, उस 1000 में से ऑक्यूपाइड कितने हैं, ऑक्यूपाइड होता है कि जितने लोग रह रहे हैं, फैमिली शिफ्ट होगी तो हैंड ओवर हो गया है, अनऑक्यूपाइड पोजीशन उसमें से आप डिफरेंस निकालो, अनऑक्यूपाइड हो गया, नेट हैंड ओवर आपको पता ही है, टोटल में से आप पोजीशन वाले निकाल दो और नॉट हैंड ओवर मिलता है, अगर आप भी सेम आपको ऐसे ही प्लॉट करना है वो हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बाद आता है मेजर टास्क। मेजर टास्क क्या होता है कि पूरे मंथ के अंदर आपने क्या क्या मेजर टास्क कराई है, ये नहीं कि आपने कोई कंप्लेंट्स
भी अदालत हो वो ठीक नहीं होता है, मेजर जो आपने मेजर मेजर काम कराए हैं, जैसे एक दो मैंने पॉइंट मेंशन कर रखे हैं कि एयर वॉशर फैन हैज स्टार्टेड बाय कमिश्नर, मतलब स्टार्टिंग में कमिश्नरिंग कराई थी तो ये बड़ा काम था जिसको इसमें हमने मेंशन कर दिया, ऐसे ही आपको भी करने हैं। जैसे हमें नीचे एक थर्ड पॉइंट पर लिखा है बोथ पीटी टर्नल के ऐसी चीजें मंथ में आप इस एक से ज्यादा भी हो सकती है मेजर टास्क, हो सकता है आपने 20 25 50 पॉइंट कराए हो तो आपको मेंशन करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। इसमें आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्मेंस जैसे यूटिलिटी होती है उसमें जो भी चीज़ें एनर्जी कंजप्शन है सारी चीज़ें डीडी वगैरह का आपको इसमें शो करना है ग्राफिकली। ये भी मैं आपको बताऊँगा कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आपको लेकिन 500 आवर्स के बीच में, या पहले तो सेमिनार होता था अभी एक साल कर दिया है कमीशन और भी डीजी ने कर दिया है, जो भी पहले एक साल पहले हो गया रनिंग आवर्स नहीं हुए तो अभी आपको भी चेक कराना होगा, डिटेल फिलअप करनी होगी और ये ग्राफ भी प्लॉट करना है, ये हम आपको बताएंगे जब आप हमारा कोर्स लोगे, वो सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीचे जनरेटर सी चेक आपको पता ही होता है कि सी चेक कब होता है, सी चेक होता है हमारा 1500 से लेकर 2000 आवर्स के बीच में, या दो साल पहले दो साल था अभी तीन साल हो गए, वो डिपेंड करता है कि बीजी किस टाइप का, कुछ क्वांटम बीजी होते हैं उनको दो साल में ही करना होता है, ठीक है। ये डिटेल भी ऐसे ही फिलअप करनी है, सेम ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करना है, कुछ नहीं है इसमें, एक बार आप देखोगे तो सीख जाओगे, बहुत आसान चीज़ है। डीजी इफिशियंसी सेम ऐसे ही डालना है, जितने आपके पास डीजी है आपको उसकी इफिशियंसी का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है, दैट्स इट। अब आते हैं ट्रैक, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैकर क्या होता है। फर्स्ट हमने इसमें एमसी ट्रैकर डाला हुआ है, इसमें क्या है कि आपके पास ऐसी कितने जैसे हमारे एलटी है लिफ्ट्स है बहुत सारे एसेट्स हैं जिसकी हमको एमसी देनी ही पड़ती है, लिफ्ट्स का तो आपको पता ही होता है देना ही है कि कोई हमारे पास इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम होगी लिफ्ट में उसको सॉल्व कर दे, तो वो ओईएम को देना ही होता है, तो ये एमसी में आता है। लेकिन लिफ्ट की एमसी डीजी का जो भी रखना है कंपनी नेम रखना है, वारंटी में जैसे होता है लिफ्ट स्टार्टिंग में लगी तो 2 साल की वारंटी होती है तब आपको वारंटी में रखना है, टाइप ऑफ एएमसी कॉम्प्रिहेंसिव है या नॉन कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर फिलअप करना है और वैलिडिटी डेट। इससे भी अच्छा एक और दूसरा हमारे पास ट्रैकर है, एक्सेल में भी बना सकते हैं, नॉर्मल हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसको आप थोड़ा ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे कंप्लायंस ट्रैकर, कंप्लायंस ट्रैकर बिल्डिंग के होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्विमिंग पूल का लाइसेंस हुआ फायर बिल्डिंग की जो होती है फायर एनओसी वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें होता है लिफ्ट की एनओसी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, सारी बिल्डिंग कंप्लायंस में ही आते हैं, तो वो चीज़ें मैंने यहाँ से हटा ली है कि हर कंपनी का अपना अपना अलग होता है, तो वो आप अपनी अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पेश करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे हम, ये हमारा कंप्लेंट ट्रैकर है, जो भी हम मंथ में जितनी भी कंप्लेंट रिसीव होती है चाहे एनर्जी मीटर की हो कारपेंटर इलेक्ट्रिकल जो भी साइट्स पे होती है वो सब आपको यहाँ मेंशन करनी है, कितनी रिसीव हुई कितनी क्लोज हो चुकी है और इन प्रोग्रेस, सेम आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ये बहुत जरूरी ग्राफ प्लॉट करना, इससे क्या है डायरेक्टली कोई एक बार देख के पता लगा लेगा कि हाँ भी कितना परसेंट कंप्लेंट रिसीव हुई है, इसमें देखेगा तो टाइम लगेगा लेकिन ग्राफ से क्या होता है टैक्स शो देखा हाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है जैसे 31% जिसका कलर होगा 30% 31% तो उसका मतलब सबसे ज़्यादा कंप्लेंट उसी की रिसीव होगी, ठीक है, ये भी आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद आपको डालना है सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम क्लाइंट, अब आपने पूरे मंथ आपको काम करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आपको क्लाइंट की हेल्प नहीं पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है क्योंकि आपको MMR अगर आप MNC कंपनी में काम करोगे तो MMR आपको क्लाइंट को भेजनी पड़ेगी, तो उसमें आपको सारे पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ठीक है, वो इसमें डालना, ये स्लाइड मल्टीपल हो सकती हैं आप 4 5 6 जितना आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हुई आपको मेंशन करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं रिस्क रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क रजिस्टर क्या होता है, साइट के अंदर जो आपको लग रहा है कि यह रिस्क है, जैसे हमने लिखा है एचटीएमओ मेंटेनेंस स्टेयर सपोर्ट नॉट देयर, तो ये जैसे हम एंटर करते हैं मान लो आपका एसी रूम जनरली बाहर ही होता है साइड पे, तो वहाँ क्या होता है जो स्टेयर होती है उस पर चढ़ने के लिए साइड में सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ जनरली मैंने देखा है कि बहुत जगह नाले होते हैं आगे तो बंदा कोई गिर गया रात में चढ़ते वक्त, जनरली बंदे रात में भी लेते हैं 12 बजे सुबह भी लेते हैं, तो ये रिस्क है, तो ये आपको मेंशन करना है।
आइडेंटिफाई बाई किसने आइडेंटिफाई किया है, लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस भी क्या हो सकता है वहाँ पर वो लिखना है, रिस्क लेवल क्या है, बहुत हाई है, मीडियम है, लो लेवल है, कंट्रोल में जो क्या कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन सजेशन डालना है आपको कि ये चीज़ करो तो ये सही सॉल्व हो जाएगी, तो ये बहुत जरूरी है। इसमें ये पॉइंट तो यहाँ साथ ही मेंशन है, हटा दिए मैंने, बाकी इसमें आप बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो साइट के होल प्रोमेसेस के, आपको 100 से 200 पॉइंट भी हो सकते हैं, वो आप जरूर इसमें मेंशन करो, क्लाइंट को शेयर किया करो मंथली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं हम इंजीनियरिंग ऑपरेशन। अब इसमें वही होता है कि जो आपने काम कराया है, जैसे मान लो आपने बिफोर आफ्टर आपको फिर शेयर करनी है, ये पूरा डॉक्यूमेंट पार्ट था जो मैंने आपसे शेयर किया है, अगर आप ये सीख लोगे तो फिर तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है आगे, तो फिर आपको बिफोर आफ्टर पिक्स उसमें अटैच करने और सेव करना कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना।